महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम के बीच शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर सियासी पारा हाई बना हुआ है। जी हां, लगातार चर्चाओं में यही है कि इस बार दशहरा रैली में कौन भाषण देता नजर आएगा शिवसैनिकों को, शिंदे या उद्धव ठाकरे। बगावत के बाद दो हिस्सों में बटी शिवसेना की दशहरा रैली कहां होगी, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। शिवसेना का उद्धव ठाकरे खेमा और सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही धड़े दशहरा रैली आयोजित करने का दावा कर रही हैं, लेकिन हाल ही में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि अनुमति मिले या न मिले, पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में ही होगी। दरअसल शिवसेना के ठाकरे समूह को बृहन मुंबई महानगर पालिका ने अब तक शिवाजी पार्क में रैली के लिए मंजूरी नहीं दी है, और इस पर आदित्य ने कहा था कि ये तो सरासर मनमानी है। आपको बता दें, शिवसेना पिछले कई सालों से विशाल शिवाजी पार्क में इस रैली का आयोजन करती रही, जिसमें पार्टी संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे का भाषण भी होता था। उनके निधन के बाद उद्धव ठाकरे दशहरा रैली की अगुवाई करते थे, लेकिन अब शिवसेना में विभाजन के बाद यह पहली दशहरा रैली होगी जहां दशहरा इस साल 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बता दें कि शिवसेना शिवाजी पार्क का शिव तीर्थ कहकर पुकारती है, इसलिए अभी तक सभी का ध्यान इस ओर है कि दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क किसको मिलता है। ऐसे में अब चर्चा है कि एकनाथ शिंदे समूह दशहरा रैली शिवाजी पार्क की जगह मुंबई के BKC MMRDA मैदान में ही हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवाजी पार्क के बाद शिंदे समूह ने दशहरा रैली के लिए BKC मैदान को चुना और इसके लिए आवेदन भी दे दिया गया है। ऐसे में दशहरा सभा को लेकर नगर निगम BMC के अधिकारियों की ओर से अनुमति किसे दी जाती है, इसकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि शिंदे गुट किसी और रैली के मतलब इस रैली के लिए किसी और पार्क को बुक करने के फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर उद्धव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर शिंदे समूह को शिवाजी पार्क में दशहरा सभा की अनुमति नहीं मिलती तो उनकी दशहरा सभा BKC के MMRDA मैदान में होना तय माना जा रहा है। तो देखना दिलचस्प है कि इस बार शिंदे गुट या उद्धव गुट कौन करता है दशहरा रैली का। बहुत बड़ा तैयारी ये अपने आप में दिलचस्प रहेगा, लेकिन आप किसका भाषण सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी जताते हैं, उद्धव या शिंदे? अपनी राय खुलकर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।